हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। गाइज, आपको आज मैं एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ, पहचानिए ये कहाँ का है। गाइज, जब भी हम पिथौरागढ़ से टनकपुर, हल्द्वानी या अल्मोड़ा का सफर तय करते हैं, NH9 में बना यह व्यू पॉइंट अक्सर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गाइज, आज मैं अपने गांव कंथगांव से अल्मोड़ा का सफर तय कर रहा हूं। जब भी हम एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन का सफर तय करते हैं, यह सफर बेहद हसीन होता है। दिल बेकरार रहता है, आखिर अगला मंजर कैसा होगा। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा जाते समय हमें कुछ दूरियों पर अक्सर ढाबे मिल जाते हैं, जो इस सफर में किसी वरदान से कम नहीं। दिल्ली बैंड के पास NH9 ऑल वेदर रोड का कार्य अभी भी प्रगतिशील होने के कारण अक्सर जाम की संभावना रहती है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें घाट पुल से अल्मोड़ा के लिए दाहिनी ओर मुड़ना होता है। यहीं से बाईं ओर की तरफ टनकपुर और दाहिनी ओर अल्मोड़ा पड़ता है। घाट से हमें अल्मोड़ा के लिए सिंगल रोड का सफर तय करना है। इस सड़क में जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें ब्रिटिश कालीन पुल देखने को मिलता है, जहां पर बहुत सारी पहाड़ी मूवियों और गानों की शूटिंग हो चुकी है। इस सफर में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें बौतड़ी गांव देखने को मिलता है, जहां पर सरयू और राम नदी का संगम होता है। बौतड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पनार पुल पड़ता है। यहां से बाहिनी तरफ अल्मोड़ा को और दाहिनी सड़क गंगोलीहाट की ओर जाती है। पनार से कुछ दूरी पर बाटुली गांव पड़ता है। बाटुली गांव एक कृषि प्रधान गांव है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के फलों की प्रजातियां देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे हम सफर में आगे बढ़ते हैं, इस सफर में पड़ने वाले छोटे छोटे प्यारे से गांव और उनके खेत खलियानों को देख मन पुलकित हो उठता है। अक्सर पहाड़ों से रोजगार व अन्य मजबूरियों के कारण न चाहते हुए भी स्थापित हो रहे पहाड़ी भाई बंधुओं के लिए यह पहाड़ी सफर बेहद करुणामय और भावुक रहता है, जो अपने साथ तराई की ओर इन पहाड़ों से विदाई लेते हुए इन पहाड़ों की खूबसूरत हसीन वादियों की बेशुमार यादें अपने साथ ले जाते हैं। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा का यह सफर बेहद ही मनोहर है। अभी मैं ध्याणी पहुंचा हूं। ध्याणी रोड के किनारे बसी एक छोटी सी प्यारी सी बाजार है। ध्याणी की बाजार जितनी ही खूबसूरत है, उतनी ही यहां पर साफ सफाई भी बरकरार है। आप जब भी पिथौरागढ़ से हल्द्वानी या अल्मोड़ा का सफर तय करें, पिथौरागढ़ से ही फ्यूल अवश्य भरवा लें, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप आपको दनिया में मिलेगा, जो पिथौरागढ़ से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दनिया में आपको भोजन के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबों का विकल्प मिल जाता है। दनिया की बाजार में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह की दुकानें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ दनिया में रहने की भी उचित व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दनिया पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के लगभग मध्य में स्थित है, जहाँ पर पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जा रहे मुसाफिर अक्सर विश्राम व भोजन के लिए रुकते हैं।
पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा व अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ का सफर तय करते समय हमें बहुत सारी छोटी व दो बड़ी बाजारें देखने को मिलती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बाजार धनिया की और दूसरे नंबर की बाजार पनवानोला की है। गाइज, आप पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और अल्मोड़ा जाते समय लंच और ब्रेकफास्ट कहां पर करते हैं? साथ ही साथ आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दनिया, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और अल्मोड़ा जा रहे यात्रियों के लिए न केवल भोजन करने की जगह अपितु फोन में बताए जाने वाली जगह भी है कि हाँ, मैं दनिया पहुंच गया। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा जा रहे यात्रियों व अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ आ रहे यात्रियों का दनिया पहुंचना यानी आधा सफर पूरा हो जाना, दनिया की सीमा पर बनी यह भव्य इमारत दनिया का पुलिस थाना है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बेहद जरूरी है। जैसे जैसे हम सफर में आगे की ओर बढ़ते हैं, यह सफर उतना ही सुहाना होता जाता है। पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों का सुहाना सफर और प्रकृति के इन मनमोहक दृश्यावलियों को देखकर मन पुलकित हो उठता है। इन खूबसूरत वादियों के बीच बने यह मकान और दाएं बाएं बसे छोटे छोटे प्यारे से गांव हर किसी का मन मोह ले। साथ ही साथ दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी हुई सड़क स्वर्ग की यात्रा की अनुभूति कराती है। पहाड़ की इन खूबसूरत सड़कों का सफर करने से महसूस होता है कि यूं ही नहीं लोग पहाड़ की खूबसूरती के कायल हैं। धौला देवी के पास पहुंचने पर जो नजारा हमें देखने को मिलता है वह किसी को भी अपना कायल बना दे। दोनों तरफ से देवदार के वृक्षों से घिरी हुई सड़क इस सफर को और खुशनुमा बना देती है। साथ ही साथ यहाँ के यह कर्मठ लोग जो पहाड़ों को जीवंत किए हुए हैं, इस सफर में आपको देखने को मिलता है पहाड़ की सभ्यता, संस्कृति और कार्यशैली, साथ ही साथ पहाड़ के लोगों की सादगी और पहाड़ की ताजगी, और साथ ही साथ पहाड़ के सीढ़ीनुमा खेत खलियान और यहाँ के लोगों के अथक प्रयासों से पहाड़ की यह जीवंत तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ के लोगों का संघर्ष। अभी मैं काफली खान पहुंचा हूँ और काफली खान से अल्मोड़ा महज 42 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काफली खान से लोहाघाट, भनौली और सिमलखेत के लिए बाईपास रोड जाती है। काफली खान पिथौरागढ़ अल्मोड़ा NH-309B में एक प्यारा सा गांव है। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट भी है। काफली खान हिमालय की वादियों में बसा बेहद ही सुंदर गांव है। जैसे ही हम काफली खान की बाजार से कुछ आगे बढ़ते हैं, हमें काफली खान से हिम शिखरों के दर्शन होते हैं। साथ ही साथ काफली खान में मौजूद प्राचीन पहाड़ी घर काफली खान की सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं और हिमालय का जो विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है वह किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे।
काफली खान से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं सुआ खान आता है। सुआ खान में मौजूद प्राचीन पहाड़ी मकान अक्सर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुआ खान हिमालय की गोद में बसा बेहद ही खूबसूरत गांव है। सुआ खान से जब हम अल्मोड़ा की ओर बढ़ते हैं तो सामने गगनचुंबी हिमालय और सड़क के दोनों तरफ प्रकृति के मनमोहक दृश्य हर किसी को अपना कायल बना दे। सुआ खान में मौजूद प्राचीन पहाड़ी मकान और सीढ़ीनुमा खेत खलियान एहसास दिलाते हैं कि आप पहाड़ों में हैं। पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा के इस सफर में सुआ खान एक अहम भूमिका निभाता है जो अक्सर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुआ खान में मौजूद यह प्राचीन पहाड़ी मकान न केवल उत्तराखंड की विरासत है अपितु यहाँ के वासिंदों की पहाड़ के प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। अक्सर पिथौरागढ़ से जब हम हल्द्वानी जाते हैं प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद बाई अल्मोड़ा वाली रोड रहती है। इस सड़क की खूबसूरती का हर कोई कायल है। इस सड़क से सफर करते समय आपको पहाड़ की हर एक खूबसूरती से रूबरू होने का मौका मिलता है। पहाड़ की इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर सफर करने से मन पुलकित हो उठता है और यह सफर तब और सुहाना हो जाता है जब इस सफर में छोटे छोटे गांव और बाजारें हमारा स्वागत करती हैं। गरुणाबाद से जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो यह सफर और सुहाना हो जाता है। सड़क का दोनों ओर से पेड़ों से घिरा होना मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति हमें अपने सौंदर्य से रूबरू कराना चाहती हो। गाइज, क्या आपने पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा NH-309B पर सफर किया है? अगर किया है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। लगभग 84 किलोमीटर के सफर के पश्चात अभी मैं आरतोला पहुंचा हूं। आरतोला से दाहिनी ओर जागेश्वर धाम के लिए सड़क जाती है और अगर सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं तो 33 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा स्थित है। आरतोला में एक छोटी सी मार्केट है जहां पर खाने पीने की व्यवस्था और साथ ही साथ रहने की उचित व्यवस्था मौजूद है। अगर आप जागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आरतोला से जागेश्वर धाम महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरतोला में आपको प्राचीन मकानों के साथ साथ भव्य इमारतें देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और होमस्टेज देखने को मिलते हैं। आरतोला से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पनवानोला स्थित है। पनवानोला दनिया के बाद दूसरी बड़ी मार्केट है जो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा NH-309B में पड़ने वाली दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। पनवानोला में अगर आपको ज़्यादा देर रुकना हो और आपके पास चौपहिया वाहन हो तो कृपया अपने वाहन को वन विभाग के गेट के पास रोक लें जिससे यातायात बाधित नहीं होगा। जैसे ही हम पनवानोला से आगे की ओर बढ़ते हैं तो सड़क दोनों तरफ से चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई रहती है और यह सफर इतना हसीन है। सड़क के दोनों तरफ बसे प्यारे से गांव इस सफर को और हसीन बना देते हैं।
पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा के सफर में पड़ने वाले इन विहंगम दृश्यों का वर्णन करना मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा है। जहां हमें इस सफर में प्रकृति के विभिन्न विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने का अवसर मिलता है, वहीं इस सफर में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव हमारे दिलों में बस जाते हैं, जिनकी खूबसूरती का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। अभी मैं मनियागर पहुंचा हूं। मनियागर अल्मोड़ा से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्यारा सा गांव है। जैसे जैसे हम अल्मोड़ा के करीब पहुंचते हैं, यह प्यारे से गांव इस सफर के रौनक में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। इन गांवों में मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ असीम शांति और सुकून। यह गांव शहरों के भीड़ भाड़ और शोरगुल से कोसों दूर है। जब हम इस सड़क से ऐसे खूबसूरत गांव से गुजरते हैं तो मन करता है इन गांवों की वादियों के बीच कुछ सुकून के पल बिताए जाएं। पिथौरागढ़ से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के पश्चात अभी मैं अल्मोड़ा के करीब पहुंच चुका हूं। इस सफर में हमें जहां हिमालय की खूबसूरत वादियों के दर्शन होते हैं, वहीं इस सड़क पर पड़ने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे गांव हमारे मनों में बस जाते हैं। मुझे करीब 3.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। यह सफर इतना हसीन है कि आप ऊब नहीं सकते। मन करता है बस इस सफर का आनंद उठाते रहें। अभी मैं अल्मोड़ा के चिड़ियाघर के पास पहुंचा हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक तिराहा पड़ता है, जहां से दाहिने हाथ की सड़क कसार देवी की ओर और बाहें हाथ की सड़क अल्मोड़ा की तरफ जाती है। गाइज, अक्सर बोला जाता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। जब आप पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा का सफर तय करते हैं तो आपको एहसास होता है वास्तव में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। गाइज, जैसे ही आप कुछ आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और तिराहा पड़ता है, जहां से सीधी सड़क अल्मोड़ा की ओर जाती है, परंतु यह सड़क वन वे होने के कारण आप अगर 4-व्हीलर से जा रहे हों तो आपको बाएं ओर मुड़ना पड़ता है, परंतु आज रविवार है और रविवार को यह सड़क दोनों तरफ आवागमन के लिए खुली रहती है। गाइज, अभी हम अल्मोड़ा शहर के ठीक ऊपर हैं और इस सड़क से अल्मोड़ा शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह सड़क जितनी ही सक्रिय है, इस सड़क पर चौपहिया वाहन चलाना उतना ही रोमांच से भरा हुआ है। जब हम अल्मोड़ा शहर के इन गलियारों से गुजरते हैं तो हमें मौका मिलता है अल्मोड़ा शहर की खूबसूरती से रूबरू होने का। अभी मैं पहुंचा हूं अल्मोड़ा के साई व हनुमान जी के मंदिर के पास, जहां पर मंदिर के बाएं हाथ की तरफ एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज मौजूद है। अल्मोड़ा कुमाऊं का एक विकसित हिल स्टेशन है, जहां पर आपको बेहद सारे मॉल देखने को मिलते हैं। अभी मैं विशाल मेघा मार्ट के पास पहुंचा हूं, जहां से कुछ ही दूरी पर नंदा देवी टेम्पल स्थित है और अल्मोड़ा की पुरानी लाल बाजार भी मौजूद है। लगभग 4 घंटे के सफर के पश्चात अभी मैं
अल्मोड़ा पहुंच चुका हूं। गाइज, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा के इस खूबसूरत सफर के पश्चात अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।